योग दिवस में उपराष्ट्रपति को न्योता नहीं देने पर विवाद से बिगड़ी बात। सूत्रों के मुताबिक राम माधव के ट्वीट से सरकार नाराज। उपराष्ट्रपति विवाद पर आज तक से बोले आयुष मंत्री श्रीपद नायक, कहा सरकार की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से माफी मांगने को तैयार। विवाद पर आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने दी सफाई, कहा प्रोटोकॉल की वजह से उपराष्ट्रपति को नहीं भेजा न्योता। राम माधव की माफी के बाद उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने जारी किया बयान, कहा बीमार नहीं है हामिद अंसारी, नहीं मिला था योग दिवस का न्योता। राम माधव जी को ट्वीट हटाने के वजह माफी मांगनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े पदों को भी वो अपमानित करते हैं, तो उनकी सोच के बारे में पूरा देश की जानकारी होता है। ललित मोदी विवाद पर सियासी आग को कांग्रेस ने 5 सवालों से भड़काया। सुषमा और वसुंधरा के बचाव पर प्रधानमंत्री की चुप्पी का पूछा राज। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और राजस्थान की मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ जो केसेस और देशवासी जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें क्या एक्शन लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दी क्लीन चिट, वसुंधरा पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। जयपुर में वसुंधरा से मुलाकात के बाद उनके बेटे दुष्यंत को लेकर बोले गडकरी, कहा किसी से कर्ज लेना गुनाह नहीं। पहली बात तो ऐसी है कि वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप है ये बेबुनियाद है और ये आरोप में न कोई लीगलिटी है न कोई करप्शन है। जहां तक उनके बेटे के ऊपर जो आरोप किए ये पूरी तरह से बिजनेस डील है। ललित मोदी के साथ 15 मिनट की मुलाकात, मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को पड़ी भारी, राज्य के गृह सचिव को सौंपी रिपोर्ट। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने दी सफाई, कहा लंदन से लौटते ही क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी रिपोर्ट। ललित मोदी से मुंबई के पुलिस कमिश्नर की मुलाकात पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कहा हमें नहीं दी गई थी जानकारी। संजय जोशी के समर्थन में दिल्ली में फिर से लगे पोस्टर, इस बार सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला। पोस्टर में कहा गया न संवाद न मन की बात, न सबका साथ न सबका विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास। फर्जी डिग्री विवाद में फंसे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का दावा, मेरी डिग्री फर्जी नहीं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का बयान, हमें डिग्री लेते वक्त पता था संत ध्यानेश्वर यूनिवर्सिटी को नहीं है मान्यता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक ब्रिज कोर्स 15 दिन थियरी और 15 दिन इंडस्ट्रीज का अनुभव, ऐसा एक अनोखा कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर ने शुरू किया था और जिसकी जानकारी एडमिशन लेने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को दी जाती थी। विनोद तावड़े की सफाई, मैंने चुनाव के समय हलफनामे में हमेशा इसका जिक्र किया, मैंने किसी को नहीं दिया है धोखा। विनोद तावड़े सबसे पहले शिक्षा मंत्री के पद से रिजाइन करें, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो और जब तक मामला साफ नहीं होता तब तक उनको अंदर रखा जाए। फर्जी डिग्री केस में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। तोमर ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र में उपस्थित रहने के लिए कोर्ट से मांगी थी जमानत, कोर्ट ने खारिज की दलील। साकेत कोर्ट ने कहा संवैधानिक पद पर रहते हुए तोमर ने जो आचरण किया है उसे देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोपी एनसीपी नेता छगन भुजबल के करीबियों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी, छापे में कुछ अहम दस्तावेज भी हाथ लगे। मुंबई के अंदर 5 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, ईडी ने कहा छापेमारी में बरामद दस्तावेजों से होगी जांच। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में सीएम उम्मीदवारी को लेकर जंग, सुशील मोदी को पीछे हटाकर सीपी ठाकुर ने सीएम उम्मीदवारी के लिए अपना नाम किया आगे। सीपी ठाकुर ने कहा अगर पार्टी फैसला लेती है तो वो सीएम पद पर दावेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नहीं तैयार तो अरे जिसको सर पार्टी कहेगी कि आपको करना है पार्टी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत है? कोई परहेज तो नहीं अगर आपको मुख्यमंत्री के लिए आपका नाम प्रपोज किया जाए? नहीं परहेज कुछ नहीं, परहेज क्या। एक कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा बिहार में सीएम पद की उम्मीदवारी पर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा फैसला। देखिए बीजेपी का नेता कौन होगा,
मुख्यमंत्री के रूप में, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता। बिहार में सीएम पद की दावेदारी को लेकर एनडीए में घमासान। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा, मैं एनडीए में अकेला नेता जिसे सरकार चलाने का है अनुभव। है कोई चीज चला चुके हैं तो यदि मौका मिलेगा फिर अगर इस तरह से तो हम उसे भागेंगे थोड़े, हम जरूर चलाएंगे, बढ़िया से चलाएंगे। जीतनराम मांझी ने साथ में ये भी कहा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इसलिए सीएम का उम्मीदवार उसी का होना चाहिए। जीतनराम मांझी का एलजीपी के मुखिया रामविलास पासवान को दो टूक जवाब, कहा जो भी सिटिंग उम्मीदवार है उसे टिकट मिलेगा। जब तमाम दल के नेता आपस में बैठेंगे जिसमें प्रमुख रूप से मांझी जी भी होंगे, तो हम लोग जब आपस में बैठेंगे एक एक करके जब हर सीटों पर जब डिस्कशन होगा तो मुझे लगता है उस वक्त सर्वसहमति से एक निर्णय ले लिया जाएगा। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बदजुबानी, एक रैली में कहा आंख दिखाने वालों की आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाने वालों के हाथ काट लेंगे। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव ने एक बार फिर लालू नीतीश पर बोला हमला, दोनों के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। जितना अपराधी है वो नीतीश और लालू का दामाद है, जितना माफिया है वो लालू और नीतीश का दामाद है। बिहार के गया में एक कार्यक्रम में सीपी ठाकुर के देर से पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, बारिश से बचने के लिए सिर पर तानी कुर्सियां। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, 25 जून को दिल्ली सरकार पेश करेगी बजट। बजट सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार 5 बिल पेश करने की तैयारी में, 30 जून तक चलेगा बजट सत्र। बजट सत्र के पहले 4 दिन नहीं होगा प्रश्नकाल, विधानसभा स्पीकर ने सरकार की ओर से संवाद में कमी। बजट सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी, बिजली पानी के साथ तोमर का भी उठेगा मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं की समीक्षा की, देश के हर स्कूल को अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा। अब देर से दफ्तर पहुंचने वाले सरकारी बाबुओं की खैर नहीं, तय समय पर दफ्तर नहीं आने पर होगी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी, समय पर दफ्तर आने का जारी किया निर्देश। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से बिल की पेमेंट करने पर मिलेगी टैक्स में छूट, केंद्र सरकार प्रस्ताव पर कर रही है विचार। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और रेल टिकट पर राहत संभव, कार्ड पेमेंट से लेन देन शुल्क समाप्त करने का है प्रस्ताव। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र के परिवार ने खत्म किया धरना, अखिलेश से मुलाकात के बाद आश्वासन मिलने पर लिया फैसला। बालाघाट के पत्रकार के हत्यारे के खिलाफ एमपी सरकार ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा, लखनऊ में बोले कैलाश विजयवर्गीय, कड़ी कार्रवाई कर रही है सरकार। खनन माफिया ने की थी मध्य प्रदेश में बालाघाट के पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या, बालाघाट के डीआईजी ने बिठाई एसआईटी जांच। महाराष्ट्र के वर्धा में बरामद हुआ था संदीप कोठारी का शव, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध खनन और चिटफंड कारोबार से जुड़े हैं तीनों। पत्रकार की हत्या को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, दिग्विजय सिंह ने सरकार और माफिया की सांठगांठ के लगाए आरोप। कांग्रेस ने पत्रकार की हत्या की जांच को लेकर भी शिवराज यूपी पुलिस की काबिलियत पर उठे सवाल, कानपुर में फायरिंग रिहर्सल के दौरान गनर के राइफल से नहीं चली गोली, कई जवान सही टारगेट पर नहीं लगा सके निशाना, मैदान का चक्कर लगाते समय अधिकारियों के छूटे पसीने। नीचे रख के फायर कर, इसे कुछ नहीं मालूम ना, किसी दिन खुद मरेगा और 4-6 और मार देगा, ये सीआर व्हीकल लाइन में आ जाए। ग्वालियर में शराब के नशे में डीजीपी को गाली देने वाले कांस्टेबल पर कार्रवाई, एसपी ने किया बर्खास्त। 2 दिन पहले कांस्टेबल अशोक तोमर ने शराब के नशे में जमकर किया था हंगामा, बीच सड़क पर डीजीपी और महकमे के बड़े अधिकारियों को दी थी गालियां। दिल्ली से सटे नोएडा में नौकरी का झांसा देकर एक महिला से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
5 जून को एक मेडिकल स्टोर में नौकरी दिलाने के लिए महिला को बुलाया गया था। पीड़ित का आरोप, कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी नहीं लिखी गई रिपोर्ट। लखनऊ में दिन दहाड़े कैश वैन से 20 लाख की लूट, गार्ड को गोली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश। हमले में घायल सभी गार्डों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस को अब तक बदमाशों का नहीं मिला कोई सुराग। लखनऊ के आलमबाग में एक मकान पर कब्जा करने आए भूमाफियाओं का स्थानीय लोगों से झगड़ा, दबंगों की फायरिंग में 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के सांगली में ससुराल में बहन की खुदकुशी का बदला लेने के लिए 3 महिलाओं की हत्या, सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बहन की खुदकुशी से गुस्साए शख्स ने अपने साथियों के साथ घर पर बोला था धावा, घर में मौजूद 3 महिलाओं की चाकुओं से गोद कर की हत्या। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में राज्य के सिंचाई मंत्री ने रेत माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा, अधिकारियों के साथ जाकर खुद की छापेमारी। बाइक पर सवार होकर रेड करने पहुंचे थे सिंचाई मंत्री राजीव बंदोपाध्याय, मंत्री के पहुंचने से पहले मौके से फरार हुए रेत माफिया, मंत्री ने कई ट्रकों को जब्त किया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, हिंसक झड़प में 3 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के मैनपुरी में एक महिला से गैंगरेप, ग्राम प्रधान के बेटे और लोगों पर लगा रेप का इल्जाम। घर में सो रही महिला को जबरन उठाकर ले गए थे आरोपी, एक खेत में ले जाकर बनाया हवस का शिकार। यूपी के बिजनौर में एक महिला से सामूहिक बलात्कार के बाद लोगों का भड़का गुस्सा, गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। यूपी के बड़ौत में एक निजी बैंक के ब्रांच में आग लगने से अफरा तफरी, कैश छोड़ सभी कागजात और दस्तावेज जलकर खाक। यूपी के बुलंदशहर में 3 लाख रुपए के जाली नोट के साथ पकड़े गए 2 बदमाश, पुलिस को गैंग के बाकी लोगों की तलाश। ग्वालियर में बीमा कंपनी की पॉलिसी पर बोनस देने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 20 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग करीब 1,500 लोगों को बना चुके थे निशाना, करोड़ों का लगा चुके थे चूना। झारखंड के देवघर में पावर प्लांट के विरोध में उतरे किसान, पंचायत भवन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर की पत्थरबाजी। देवघर के हुसैनाबाद में 4,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट बनाने का विरोध कर रहे हैं किसान, प्रशासन के खिलाफ जमकर निकाला गुस्सा। यूपी के जालौन में दबंगों का कहर, रंगदारी का विरोध करने पर पूरे परिवार के साथ की मारपीट, घर से लूटे जेवर। टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरा रद्द, ब्रॉडकास्टर से विवाद और खिलाड़ियों की थकान की वजह से बोर्ड ने रद्द किया दौरा। खिलाड़ियों ने की थी थकान की शिकायत, कई खिलाड़ियों ने कहा इंग्लैंड दौरे के बाद से लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं खिलाड़ी। अगले महीने जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली थी टीम इंडिया, 10 जुलाई से 24 जुलाई के बीच 3 वनडे और 2 T20 मैचों की थी सीरीज।